30,000 करोड़ का टर्नओवर कैसे हो गया? पुरुषार्थ से हमने काम किया और जब पुरुषार्थ करते हैं तो अर्थ आता है, उसको परमार्थ में लगाते गए, करोड़ों लोगों का विश्वास बढ़ता गया। हमने योग के साथ उद्योग को लिया, संस्कृति मूलक समृद्धि के पथ पर आगे बढ़ते गए। जब योग करेंगे तो कर्मयोग के रूप में पूरा ये ब्रांड है, ये वेल्थ है, ये प्रॉस्पेरिटी है, ये तो पीछे पीछे चलती है। ये तो भगवान का विधान कहो, लॉ ऑफ नेचर है, ये तो यूनिवर्सल लॉ है। तो उस प्रवाह में ये सिलसिला आगे बढ़ता गया। हम योग करते गए, कर्मयोग करते गए, साथ साथ में योग आयुर्वेद पर और अपने सनातन ज्ञान परंपरा पर नूतन अनुसंधान करते गए। आप मेरे यहां सामने देख रहे हैं, 100 से ज्यादा ये रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन हमने तैयार कर दी। और दाएं बाएं आप देख रहे हो, हमने न्यूट्राश्यूटिकल्स का एक नया संसार खड़ा कर दिया। और इसका मकसद एक ही है, विदेशी कंपनियों के एकाधिकार को, उनकी प्रभुता को तोड़ना और उनकी आर्थिक और सांस्कृतिक लूट और गुलामी से देश को बचा के आत्मग्लानी और आत्म विस्मृति के स्थान पर आत्मगौरव का भाव भरना। तो स्वदेशी है, सात्विकता है, रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड पूरा काम है। राजनीति में बोलते हैं लोग, काम बोलता है, हम कहते हैं यहां तो कर्म की ही हम पूजा करते हैं, कर्म को ही धर्म मानते हैं। और मैं योग धर्म को तो मैं कहता हूं इस समय का ये सबसे बड़ा युग धर्म है, ये सबसे बड़ा मानव धर्म और सेवा धर्म है। बस इस रास्ते पर चलते गए और ये पूरी कायनात खड़ी हो गई मेरे भाई किशोर जी। अच्छा ये बताइए।